नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे किसान को मिलने वाला डीजल अनुदान को लेकर। बिहार में बारिश नहीं होने के कारण किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में सुखाड़ जैसे हालात हैं। ऐसे में नीतीश सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि प्रदेश में यह समय धान रोपाई और खरीफ फसलों का है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण किसानों के सामने अपनी फसलों को बचाना एक बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में अब बिहार सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। बता दें कि सरकार पहले से ही किसानों को धान रोपाई के लिए डीजल अनुदान देती रही है, लेकिन अब प्रदेश में जब सुखाड़ जैसे हालात हैं तो इसको ध्यान में रखते हुए इस डीजल अनुदान की राशि में बढ़ोतरी की गई है। डीजल अनुदान की राशि पहले जहाँ 600 रुपये प्रति एकड़ थी, तो वहीं दूसरी तरफ इसे बढ़ाकर 750 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। इसे कैबिनेट की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। अनुदान में बढ़ोतरी होने से लाखों किसानों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। डीजल अनुदान में हुई बढ़ोतरी को लेकर बोलते हुए कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थन ने बताया है कि बड़ी कीमत को देखते हुए प्रति लीटर अनुदान में राज्य सरकार ने 15 रुपये की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा है कि पहले किसानों को 60 रुपये डीजल लीटर के हिसाब से जो है अनुदान के रूप में मिलता था, जिसे सरकार ने अब बढ़ा दिया है। कहा कि अनियमित मानसून और सूखे और कम बारिश जैसी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान देने का फैसला किया है। बता दें कि वित्तीय साल 2022-2023 के लिए इस मद में कुल 29 करोड़ 95 लाख रुपए अग्रिम राशि के रूप में मंजूरी मिल गई है। सरकार पहले किसानों को एक लीटर पर 60 रुपये अनुदान के रूप में देती थी, अब सरकार ने इसी राशि को बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया है। खरीफ फसलों के एक एकड़ की सिंचाई के लिए 10 लीटर की जरूरत होती है। इसके हिसाब से किसानों को प्रति एकड़ 750 रुपये दिया जाएगा। बता दें कि किसानों को अधिकतम 8 एकड़ तक सिंचाई के लिए यह राशि दिया जा सकता है। आइए अब जान लेते हैं अनुदान लेने के लिए किसान क्या करें। वैसे किसान तो दूसरे के ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, जिन्हें सरकार गैर रैयत किसान मानती है, लेकिन वे भी सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके कागजात को प्रमाणित या फिर सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य और कृषि समन्वय की मदद लेनी होगी। सत्यापित करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले। बता दें कि इस योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि केवल वही किसान इस योजना के तहत आवेदन करें जो कि वास्तव में डीजल का उपयोग कर किस सिंचाई कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि डीजल अधिकृत पेट्रोल पंप से खरीदा गया हो, साथ ही पेट्रोल पंप से मिलने वाला डिजिटल वाउचर में किसानों का 13 अंक का पंजीकरण संख्या होना चाहिए। इसके बाद ही वह वाउचर मान्य होगा। किसान खुद से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कृषि विभाग की वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएँ। यहाँ पे डीजल अनुदान का विकल्प आपको दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना है, जिसके बाद डीजल की रसीद, सिंचाई सत्यापन फॉर्म, नाम, बटाईदार, आधार नंबर, बैंक अकाउंट की जानकारी पूरी तरीके से भरने के बाद सबमिट करना होगा। बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक किया जाएगा। किसानों को लेकर जो अपडेट साझा किया जा रहा है, उसमें यह बताया गया है कि अब हर किसान जो है अधिकतम 8 एकड़ की ज़मीन पर अपनी सिंचाई के लिए डीजल अनुदान ले सकते हैं। बता दें कि पहले यह 5 एकड़ तक ही था। इसको लेकर कृषि मंत्री ने कहा है कि मॉनसून सीजन में सामान्य से कम बारिश होने के कारण प्रदेश के कई जिलों में किसानों की हालत खराब हुई है। खासकर खरीफ फसल को लेकर किसानों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान देने का फैसला किया है। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।